और कल जैसे मनीष गांधी के घर के बाहर जो महिलाओं का आक्रोश दिख रहा था, अगर मुंबई पुलिस मनीष गांधी को पकड़ती नहीं है तो वो आक्रोश शायद ही हमें अम्बोली पुलिस स्टेशन के बाहर भी दिखाई दे। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मनीष गांधी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने एक महिला का, विदेशी महिला का रेप किया। देखना यह है कि हाईकोर्ट जाने से पहले मुंबई पुलिस मनीष गांधी को पकड़ पाती है या नहीं। तक मनीष गांधी लापता है, फरार है। अम्बोली पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है वो उनकी तलाश में जुटी हुई है। हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि डिंडोशी कोर्ट में मनीष गांधी ने बेल के लिए अप्लाई किया था, पर डिंडोशी कोर्ट ने वो बेल रिजेक्ट भी की है। स्वागत है आपका महाराष्ट्र बंधु में, मैं हूँ पूर्वा शिंदे और आज हम आए डिंडोशी कोर्ट। हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था जिसके अंदर मनीष गांधी के ऊपर एलिगेशंस लगे हैं कि उन्होंने एक महिला का, विदेशी महिला का रेप किया। 16 से 2022 के बीच में उन्होंने कई बार उस विदेशी महिला का रेप किया, ऐसा उस विदेशी महिला का कहना है। अब तक अम्बोली पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है मनीष गांधी के अगेंस्ट, और उस विदेशी महिला का ये भी कहना है कि मनीष गांधी अपने साथ कोकेन रखते थे। उनके सारे सबूत और फोटोज़ उस विदेशी महिला के पास है। तक मनीष गांधी लापता है, फरार है। अम्बोली पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है वो उनकी तलाश में जुटी हुई है। हमें सूत्रों से ये भी पता चला है कि डिंडोशी कोर्ट में मनीष गांधी ने बेल के लिए अप्लाई किया था, पर डिंडोशी कोर्ट ने वो बेल रिजेक्ट भी की है। IHFF और IFBB के जो प्रोकार्ड स्पिनर्स है, अब देखना ये है कि ये विषय पे उन लोग आवाज़ उठाते हैं या नहीं, क्योंकि जो हमारे महिला फिटनेस बॉडी बिल्डिंग है जो इंटरनेशनल जाके रिप्रेजेंटेटिव करती है इंडिया को, उनके साथ भी ये हादसा हो सकता है। क्योंकि हमारे देश में आके फॉरनर के साथ ऐसा हो गया है, मतलब उसके अश्लील फ़ोटोज़ निकाल के ये जो मनीष गांधी है वो वायरल करने की उसको धमकी देते रहते हैं। अगर यही चीज़ हमारे इंडिया की बॉडी बिल्डर महिला है वो भी अगर इंटरनेशनल में जाएगी तो उसके साथ भी ये हो सकता है। अगर अब देखना यही है कि इन लोग इस विषय पे आवाज़ उठाते कि नहीं, और हमारे अम्बोली पुलिस स्टेशन कब तक मनीष गांधी को पकड़ पाती है या नहीं, हम उसकी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। देखना यह है कि हाईकोर्ट जाने से पहले मुंबई पुलिस मनीष गांधी को पकड़ पाती है या नहीं। अभी हम आए हैं अंधेरी में अम्बोली पुलिस स्टेशन में, और यहाँ पे ही अम्बोली पुलिस स्टेशन में ही मनीष गांधी के खिलाफ FIR दर्ज हुई है रेप केसेस के रिलेटेड। और कल जैसे मनीष गांधी के घर के बाहर जो महिलाओं का आक्रोश दिख रहा था, अगर मुंबई पुलिस मनीष गांधी को पकड़ती नहीं है तो वो आक्रोश शायद ही हमें अम्बोली पुलिस स्टेशन के बाहर भी दिखाई दे। और कल जैसे मनीष गांधी के घर के बाहर जो महिलाओं का आक्रोश दिख रहा था, अगर मुंबई पुलिस मनीष गांधी को पकड़ती नहीं है तो वो आक्रोश शायद ही हमें अम्बोली पुलिस स्टेशन के बाहर भी दिखाई दे।